हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैफ, वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स टाइम टू नोइंग कार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मारुति सुजुकी की न्यू स्विफ्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है मारुति सुजुकी की न्यू स्विफ्ट, वेरिएंट है इसका VDI। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यह है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, वेरिएंट है इसका VDI। इंजन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको इंजन मिलता है 1248 cc का। पावर की बात करें फ्रेंड्स, आपको मिलती है 55 kW, 4000 rpm पे आपको इसमें गाड़ी में पावर मिल जाती है। टॉर्क की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको मिल जाती है टॉर्क 190 Nm 2000 rpm पे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है वेरिएंट आपका VDI। और सिमिलर वेरिएंट VXI की बात करें दोस्तों, तो फीचर्स के मामले में VXI VDI दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन VXI में आपको मिलता है पेट्रोल इंजन 1197 cc का और पावर मिलती है उसमें 61 kW 6000 rpm पे और टॉर्क मिलता है 113 Nm 4000 rpm पे। लेकिन VXI VDI दोनों फीचर्स के मामले में गाड़ी बिल्कुल सेम है, फ़र्क है बस इंजन का। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। आज है हमारे सामने मारुति सुजुकी की स्विफ्ट VDI। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे बम्पर पे आपको एक सुजुकी की बैजिंग मिलती है, जो कि गाड़ी को काफ़ी आगे से अट्रैक्टिव लुक देने का काम करती है। और मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट से इस गाड़ी का आगे का बम्पर, जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ब्लैक मैट ग्रिल फिनिश के साथ आपको यहाँ पे गाड़ी का बम्पर दिया हुआ है, जिसमें प्लास्टिक ग्रिल्स हैं। नीचे भी एक लाइनिंग ग्रिल दी हुई है प्लास्टिक की बम्पर पे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है सामने से। इसकी हेडलाइट की बात करें दोस्तों, तो हेडलाइट आपको नॉर्मल हैलोजन लैंप मिलता है, हैलोजन लैंप विद इंडिकेटर। नीचे आपको फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं है इस गाड़ी में। बोनट की बात करें दोस्तों, तो इसमें कर्व स्पोर्ट बोनट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है आगे से। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की बात करें दोस्तों, तो आपको लेंथ मिलती है इसमें 3840 mm की। और विड्थ की बात करें फ्रेंड्स, तो विड्थ इसमें है 1735 mm की, इसमें विड्थ मिल जाती है। जहाँ तक हाइट है इसकी 1530 mm। तो फ्रेंड्स, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। आइए थोड़ी बात करते हैं इसकी व्हील बेस की। व्हील बेस की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको व्हील बेस मिल जाता है इसमें 2450 mm का। और टायर साइज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें टायर साइज़ आपको मिल जाता है 14 इंच का। ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको इस कार में। यहाँ पे आप देख सकते हैं DDIS की बैजिंग। यहाँ पे आपको ORVM इंडिकेटर मिल जाता है। ये डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको की स्लॉट मिल जा रहा है। और फ्रेंड्स, स्विफ्ट में एक और अच्छी बात है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डोर ओपन करने के लिए हैंडल यहाँ पे दिया हुआ है। और रियर साइड पैसेंजर डोर की बात करें, तो इसमें डोर हैंडल जो है ऊपर की तरफ दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ये डोर हैंडल है रियर साइड पैसेंजर डोर की। ये गेट आपका यहाँ से ओपन होगा, ये डोर आपका यहाँ से ओपन होगा। बैक पोर्शन की बात करें दोस्तों, तो बैक पोर्शन काफ़ी स्पोर्टी है इस गाड़ी का। इसमें फुल्ली LED टेल लैंप्स दिए हुए हैं इस कार में। बीच में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बैक बम्पर भी इसका काफ़ी अच्छा बनाया है कंपनी ने। इसकी बूट की बात करें दोस्तों, ये है दोस्तों इसका बूट। बूट स्पेस की बात करें दोस्तों, तो आपको 268 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि एक नॉर्मल छोटी कार के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्पेस माना जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, थोड़ा गहरा बूट स्पेस इसमें बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहरा बूट स्पेस बनाया गया है इसमें। ये आप साइड में देख सकते हैं, आपको जैक रखने का ऑप्शन दिया हुआ है गाड़ी के टूल्स रखने के, जैसा कि आप देख सकते हैं। नीचे आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। ये था इसका बूट। बात करें दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 37 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका।
कि मैं गाड़ी का साइड प्रोफाइल दूसरी तरफ से भी दे देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, गाड़ी को काफ़ी अच्छा बनाया कंपनी ने, काफ़ी स्पोर्ट लुक दिया है कंपनी ने इसको। और बात करें दोस्तों इसकी बैक टेल लैंप्स की, तो मैं अभी आपको इस गाड़ी का टेल लैंप ऑन करके दिखा देता हूँ। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक पीछे से मिलता है इस कार का। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, फुली LED टेल लैंप्स है इस कार के। ये रेड DRL, ये टर्न इंडिकेटर ऑन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पोर्ट लुक दे रहा है गाड़ी को पीछे से। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर, कैसा कंपनी ने इसका इंटीरियर दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने ड्राइवर साइड डोर ओपन किया हुआ है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सिंगल टोन कलर में है, ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको देखें तो मिल जाता है पावर विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स, सेंट्रल की लॉकिंग, सिल्वर फिनिश के साथ डोर ओपनर। नीचे की तरफ देखें तो आपको पेपर वर्क स्पेस, बोतल होल्डर, स्पीकर का भी ऑप्शन है। थोड़े अंदर की तरफ बात की जाए फ्रेंड्स, तो एंट्री काफ़ी अच्छी है इस कार की। ये आपको स्टेयरिंग, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है सीट हाइट एडजस्टर। सीट फैब्रिक की बात करें दोस्तों तो सीट फैब्रिक काफ़ी अच्छा है इस कार में, काफ़ी स्पोर्ट सीट्स दी हुई हैं इसकी, बैठने में काफ़ी कंफर्ट मिलेगा ब्लैक फिनिश के साथ। सीट फैब्रिक इसमें काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। फ्रंट स्क्रीन, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है RPM मीटर, डिजिटल क्लॉक, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रही हैं, शो कर रही हैं, इस सब का इंडिकेशन है स्क्रीन पे। स्टेयरिंग की बात करें दोस्तों तो आपको बीच में मिल जाती है सुजुकी की बैजिंग, देख सकते हैं। स्टेयरिंग में आपको मिल जाता है वॉल्यूम कंट्रोल्स, मोड, म्यूट का ऑप्शन। नीचे की तरफ देखें तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल रिसीव, कॉल कट का ऑप्शन है। स्टेयरिंग की बात करें दोस्तों तो काफ़ी स्पोर्टी स्टीयरिंग इसकी है, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा कंपनी ने बनाया है ये फ्लैट कर्व के साथ, जो कि हैंडलिंग ड्राइविंग करने में काफ़ी अच्छी रहेगी। ये आपके वाइपर कंट्रोल्स, ये आपके लाइट्स के कंट्रोल्स, ये आपकी AC विंड्स। इसी की बात करें तो यहाँ पे लाइट बीम कंट्रोल्स, ये आपका म्यूज़िक सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB ऑक्स के साथ। ये आपकी राउंड फिनिश में AC विंड्स। ऊपर की तरफ देखें तो आपको केबिन लाइट का ऑप्शन है। नीचे मैनुअल AC। नीचे की बात करें दोस्तों तो आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट, और जैसा कि मैं वीडियो में दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे आपको ऑक्स और USB का भी ऑप्शन है। ये आपका गियर नॉब, ये सिल्वर फिनिश का राउंड ऑफ। या आपको मिल जाता है कुछ इस, या आपको मिल जाता है थोड़ी स्पेस, ग्लास होल्डर, ये हैंड ब्रेक, यहाँ पे भी कुछ आपको स्पेस मिल जाती है। को ड्राइवर साइड बात करें दोस्तों तो आपको मिल जाता है पावर विंडो कंट्रोल, सिल्वर फिनिश डोर ओपनर। नीचे की तरफ स्पीकर का ऑप्शन है, 1 लीटर बोतल होल्डर का स्पेस, पेपर वर्क स्पेस दिया हुआ है इस डोर में भी। आपकी AC विंड्स, डुअल एयर बैग का ऑप्शन है इस कार में आपको। ये ग्रैब हैंडल स्लो मूव के साथ, ये आपको सनशेड, वैनिटी मिरर है को ड्राइवर साइड, ये ड्राइवर साइड सनशेड, टिकट होल्डर का ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों चलिए देखते हैं रियर साइड पैसेंजर डोर खोल के। रियर साइड पैसेंजर डोर खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ विंडो के कॉर्नर में दिया हुआ है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये सिंगल ब्लैक फिनिश कलर में, यहाँ पे आपको सिल्वर डोर ओपनर, पावर विंडो कंट्रोल्स, नीचे की तरफ बोतल होल्डर, स्पीकर का ऑप्शन है। एंट्री ठीक ठाक है, बैठ सकते हैं आराम से। तो चलिए पीछे की तरफ बैठ के देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब हूँ गाड़ी के अंदर, रियर साइड पैसेंजर डोर खोल के मैंने
मैं पीछे की तरफ बैठा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं लेगरूम ठीक है गाड़ी का, बहुत ही अच्छा लेगरूम है। छोटी गाड़ी के हिसाब से लेगरूम काफ़ी कंफर्टेबल है इसका। हेडरूम भी गाड़ी का ठीक है, अच्छा हेडरूम है इसका। जैसा कि मैं आपको नॉर्मल हेडरेस्ट से दिखा सकता हूँ कि सीट हाइट एडजस्टर में भी फुल है, ये अच्छा हेडरूम है इसका। नीचे की तरफ देखें तो आपको पीछे की तरफ भी एक बोतल होल्डर का मिल जाता है स्पेस। इस तरफ बात करें दोस्तों तो आपको सिल्वर डोर ओपनर, यहाँ पे भी आपको पावर विंडो कंट्रोल्स, नीचे स्पीकर और बोतल होल्डर का ऑप्शन। पीछे आपको मिल जाता है वाइट ट्रे, आप थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। हेडरेस्ट आगे का डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख सिंगल टोन कलर के साथ है, ब्लैक मैटिंग के साथ। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पीछे की तरफ भी आपको ग्रैब हैंडल स्लो मूव के साथ दोनों तरफ डोर्स पे मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल स्लो मूव के साथ दिए हुए हैं। मैंने आपको इस कार का इंटीरियर एक्सटीरियर सारी डिटेल्स दे दी गई हैं आपको इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।